अस्सलाम वालेकुम। सो ऐसा हमारा आज का क्वेश्चन है, क्या हर कोई अमेजोन पीपीसी रन कर सकता कर सकता है, लेकिन उसको प्राइवेट लेवल पूरा आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, प्राइवेट लेवल की जो ऑर्गेनिक स्ट्रेटजीज है वो भी आनी चाहिए। जैसे कि अभी हमारी एक लॉन्च थी, जिसके अंदर हमारी प्राइम लॉन्च थी, काफ़ी बड़ी प्रोडक्ट थी, मतलब काफ़ी हैवी वेटेड प्रोडक्ट थी। तो उसमें जिस तरह की स्ट्रेटजी थी वो हमें, जैसे हमने एक अभी जैसे मेरे पास एक बल्क शीट है, वो तो उसकी हमारे समझने के लॉन्च के कोई एक हफ्ते बाद की हमने बल्क शीट है हमारी, तो उस वक्त हमने ये स्ट्रेटजी यूज़ नहीं की थी। तो उसमें ये होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई बड़ी प्राइम प्रोडक्ट है तो उसके साथ हम कुछ एडिशन करें, जैसे SNL की एडिशन करते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, कोई बहुत मतलब हैवी वेटेड है, तो लाइक उसका हम, फर्नीचर? यस, फर्नीचर के अंदर अब हम एक, जैसे सोफा है, तो उसके साथ हम एक टेबल, और टेबल नहीं तो एक लैंप ऐड करते हैं उसकी एडिशन के साथ। तो इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी एडिशन करके हम उसको, मतलब रैंक जो हमारी पीपीसी का बजट है, जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि उस पर मतलब थोड़ा अमेजोन ज़्यादा चार्ज करता है। तो इस तरह हम लोग अगर उस पर एग्रेसिव जाएंगे, और इस तरह की फर्नीचर प्रोडक्ट जो है, इन पे आपको पता है वेरिएशन और कंपटीशन बहुत है। तो इसको हमें कम्पीट करने के लिए, जाहिर सी बात है, हम पूरा एक सोफ़ा तो दूसरा लाएंगे, तो हमें उसी तरह कोई एक लैम्प हो गया या कोई मैट हो गया, इस तरह की चीज़ हमने उसके साथ प्रोवाइड करनी है। और अगर कोई कंपेटिटर हमारा है और वो उसी तरह मतलब कम्पीट करके हमारे साथ चल रहा है, वो भी मैट ले आया है या लैंप ले आया, तो फिर हमें और एडिशन करनी है मजीद। इसी तरह मार्केट को कम्पीट करते हुए देखना है कि कोई नया कंपेटिटर तो ऐसा नहीं है कि जो हमें बिल्कुल कम्पीट करके हमारे ऊपर आ जाए। तो इस तरह हमें ये चीज़ ज़रा जहन में रखनी है। मतलब लिस्टिंग को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें यस साइड फर्नीचर जी कुछ ऐड करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, फर्नीचर के साइड साइड में कुछ छोटी मोटी वेरिएशन, जैसे मतलब फ्री में है या फिर इस तरह कुछ ना करके, थोड़ा सा उसमें प्राइस और ऐड करके, मतलब उसके साथ ही अटैच करके देनी है, ताकि जो बंदा एक नॉर्मल चीज़, जैसे एक फर्नीचर सोफा लेने जा रहा है, तो उसके साथ उसको एक समझे लैंप भी मिल रहा है, सेम प्राइस में उसको एक और सोफा भी वही मिल रहा है, और हमारा भी उस सेम प्राइस में, बट हम लैंप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको एक अट्रैक्ट करेगा कि यार मैं सोफा ले ही रहा हूँ तो मुझे लैंप भी मिल रहा है, मैं वो भी ले लूँ। तो इससे एक तो अच्छा इम्प्रेशन पड़ता यस है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस लिस्टिंग को उठाने के लिए जितना हम कुछ कर सकते हैं, रिव्यूज लेने के लिए, और उतना हम करें। तो इसी तरह अभी जैसे एक बल्क शीट थी और काफ़ी बड़ी प्रोडक्ट थी, तो इस पर हमने काफ़ी अच्छी स्पेंडिंग भी की है, जिस तरह आप देख सकते हैं स्पेंडिंग इसकी। इस पर हमने शुरू शुरू में एक ऑर्डर इसलिए लिया है, कुछ इंप्रेशन पे तो ऑर्डर भी नहीं है, आप देख सकते हैं। इसके इंप्रेशन भी काफ़ी अच्छे खासे हैं, क्योंकि ये अच्छी नीच थी। पे हमारे दो ऑर्डर हैं। तो ये जो है ना, मेन वो यही है कि अगर इसमें हमने जब वेरिएंट ऐड किया तो उसमें काफ़ी फ़र्क आया। मतलब वेरिएंट ऐड करने से जो फ़र्क आता है, क्योंकि एक बंदा अपने माइंड से निकला है कि यार मुझे फर्नीचर चाहिए, मुझे सोफ़ा चाहिए, तो अमेजोन पे बहुत सारे सोफ़ा लिस्टेड होंगे, तो हम सेम प्राइस में जो सोफ़ा आपको मिल रहा है उसी के साथ आपको लैम्प मिल जाए या कोई और वेरियंट मिल जाए, तो उससे सेल्स बूस्ट मिल गया। तो ये एक टिप है। थैंक यू।